देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 अगस्त से 3 T20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। इस T20 सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। 3 मैचों की T20 सीरीज भारतीय टीम के लिए कई मायनों में अहम रहने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम इस T20 सीरीज से अपने विश्व कप 2020 की तैयारी भी शुरू कर देगी। इस T20 सीरीज का पहला मैच जहां 3 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा, वही दूसरा T20 मैच 4 अगस्त को फ्लोरिडा में ही होना है। सीरीज का अंतिम और निर्णायक T20 मैच 6 अगस्त को गयाना में खेला जाएगा। T20 सीरीज को जीत भारतीय टीम अपनी ICC रैंकिंग में सुधार लाना चाहेगी। भारतीय टीम फिलहाल 260 पॉइंट के साथ 5वें स्थान पर है, वही पाकिस्तान की टीम 283 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। बता दें कि भारत की T20 टीम का ऐलान हो चुका है। BCCI ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में चयनकर्ताओं ने कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले। हालांकि चयनकर्ताओं द्वारा चुनी गई यह टीम काफी संतुलित दिख रही है और लग रहा है कि चयनकर्ताओं ने 2020 की T20 विश्व कप की तैयारी भी शुरू कर ली है। चयनकर्ताओं ने जहां दिनेश कार्तिक को जगह नहीं दी है, वहीं मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर जैसे युवा खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, स्पिनर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को चयनकर्ताओं ने आराम दिया है। कुछ इस प्रकार है भारत की 15 सदस्यीय की T20 टीम। विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, शिखर धवन, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर, कृणाल पंड्या, रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चहर, नवदीप सैनी,